पिंपल्स अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। स्पेशली टीन एजर्स को सबसे ज़्यादा पिंपल्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस इसके रीज़न होते हैं। एनीवेज, रीज़न पे फिर कभी बात करेंगे, आज इसके रेमेडी के बारे में बात करते हैं। एंड दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड होम रेमेडी। आपको क्या करना है, एक बड़ी चम्मच दही ले लें, गाढ़ी दही लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करना है, एक चौथाई छोटी चम्मच, और उसमें दो विटामिन ई के कैप्सूल्स या फिर 10 से 12 बूंदे विटामिन ई ऑयल की डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करें और पूरे चेहरे पे लगा लें। 12 से 15 मिनट तक रखें और उसके बाद वॉश कर लें। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसके ड्राई होने का भी वेट कर सकते हैं, जिसमें कि 25 से 30 मिनट तक लग जाता है। और जब ये ड्राई हो जाए तो हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा टैप टैप करके सर्कुलर मोशन में मसाज करके इसको वॉश कर लें। अगर आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो आप इस रेमेडी को हर रोज़ ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें हमने मिक्स की हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही दही हो चाहे एलोवेरा जेल हो, इन सभी चीज़ों की तासीर ठंडी होती है तो वो पिंपल को स्टॉप करने में काफ़ी हेल्प करता है, कि स्किन पोर्स को ओपन करता है, क्लीन करता है और नए पिंपल्स आने से रोकता है। कई लोगों के उनके अपर बैक एरिया में भी पिंपल्स होते हैं या गर्दन पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, घमौरियाँ हो जाती हैं गर्मियों के दिनों में, तो वहाँ पे भी आप ये रेमेडी को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही फ़ायदेमंद है। डू ट्राई दिस होम रेमेडी एंड लेट मी नो द रिजल्ट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑफकोर्स इसी तरह की और भी इफेक्टिव होम रेमेडीज़ और लाइफस्टाइल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर one. Bye-bye.